गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा एक सब्जेक्ट मैथ। आज हम मैथ का करेंगे। चलो तो शुरुआत करते हैं। आइए वस्तुओं को गिने और संख्या लिखें। इसमें हम क्या करेंगे, पहले जो ये बोर्ड पे जो वस्तुएं बनाई गई हैं, ये बॉल्स हैं, इन्हें हमें गिनती करनी है, फिर सामने वाले बॉक्स में लिखना है। देखो ये कितने, अब अपने गिनती करेंगे, एक दो तीन चार, कितनी बॉल्स हुई, चार। तो क्या करेंगे, ये सामने वाले बॉक्स में लिखेंगे चार। ठीक वैसे ही हमें दूसरा करना है। ये कुल्फियाँ बनी हुई हैं, इन्हें हम गिनती करेंगे, एक दो तीन चार पाँच, कितनी हुई, पाँच। तो ठीक वैसे ही इसके सामने लिख देंगे पाँच। अब ये अपने पतंग गिनेंगे, कितनी पतंग है, एक दो तीन चार पाँच छः, कितनी हुई, छः। तो ठीक वैसे ही सामने वाले बॉक्स में लिखेंगे छः। अब करेंगे नीचे वाला, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, कितनी हुई, आठ। तो लिखेंगे बॉक्स में आठ। ये हुआ वस्तुओं को गिना और उनके सामने लिखा। अब हम करेंगे दूसरा, आइए दी गई वस्तुओं को गिनकर सही संख्या से मिलान करना है। हमें गिनना नहीं है, गिन के सही संख्या से मिलान करना है। जैसे इस बॉक्स में संख्या लिखी हुई है, तो जिस संख्या से जो संख्या सही है उससे हमें मिलान करना है। अभी जैसे देखते हैं, जैसे ये छतरी बनी हुई है, तो पहले हमें इन्हें काउंट करेंगे। काउंट करते हैं, एक दो तीन चार पाँच, कितनी हुई, पाँच। तो सामने वाले बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, छः। अब ये तो इससे मिलान नहीं खा रहा, ठीक है, ये क्योंकि अपनी छतरियाँ पाँच है और सामने लिखा हुआ है वो छः है, तो अपनी इसे छोड़ते हैं। अब हम नीचे वाली चक्रियाँ गिनते हैं, ये कितनी है, एक दो तीन चार पाँच छः, छः, ये छः हैं। सामने वाले ऊपर वाले बॉक्स में क्या था, छः। तो अपने किससे मिलान करेंगे, इन चक्रियों को इस छः से मिला देंगे। अब नीचे वाले बॉक्स में क्या है, पाँच। तो अपने ने पहले जो छतरी गिनी थी वो कितनी थी, पाँच। दोबारा गिन लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच। तो अपने इस छतरी का मिलान कर देंगे इससे। ठीक इसी तरह अपने करना है, ये फूल बने हुए हैं, इन फूलों की अपने को संख्या गिननी है। ऊपर वाले में लिखा हुआ है तीन, नीचे लिखा हुआ है आठ। तो अपने पहले ऊपर वाली जो फूल है वो गिनेंगे। तो ये कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, तो आठ। तो इसमें आठ कहाँ लिखा हुआ है, ये नीचे लिखा हुआ है, तो इसे आठ से मिलान कर देंगे। अब दूसरा करेंगे, ये है आइसक्रीम। आइसक्रीम कितनी है, एक दो तीन, तीन। ऊपर वाले बॉक्स में कितना लिखा हुआ है, तीन। तो इसे इस तीन से मिलान कर देंगे। ठीक है, ये ऐसे करना है। अब करेंगे तीसरा क्वेश्चन, बॉक्स में अधिक संख्या के लिए ए लगाना है तथा कम संख्या के लिए क लगाना है। जो संख्या, जिस चीज़ की संख्या ज़्यादा है उसके लिए ए करना है, अधिक कम है कै के लिए कम। तो अपने ये फ्लैग गिनते हैं, ये कितने हैं, एक दो तीन चार, कितने हैं, चार। अब अपने ये बॉल्स गिनेंगे, ये कितनी है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, ये कितनी है, नौ। अब ये कितनी थी, चार, और ये कितने थे, नौ। तो ज़्यादा कौन सा हुआ, नौ। तो अधिक क्या हुआ, नौ। अब ये जो झंडे हैं ये कितने हैं, ये तो चार ही हैं क्योंकि वो नौ है और ये चार है, तो ये कितने हुए, कम। तो झंडे हुए कम, बॉल्स हुई अधिक। ऐसा ही करना है। आपके बुक में और एक्सरसाइज दी हुई है, आपको एक्सरसाइज करनी, उससे ही आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।